राम राम दोस्तों, हर हर महादेव। मैं आपका दोस्त राजू ब्लॉग्स। मैं निकला हूँ 100 दिन की साइकिल यात्रा पर और आज मेरी साइकिल यात्रा का 12वां दिन है। पेड़ बचाओ, जीवन बचेगा, ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा। आप लोग भी मेरे साथ रहिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं अभी रुका हूँ ग्वालियर के गुरुद्वारे में और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ झांसी। तो मैं अब झांसी के लिए निकल रहा हूँ, आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं, अब कोशिश है कि आज झांसी पहुँच जाऊँ। झांसी मुझसे है 100 किलोमीटर। मैं हूँ अभी झांसी हाईवे पर और मैं अभी आ चुका हूँ घाटी क्षेत्र में। मतलब ये ग्वालियर का घाटी क्षेत्र है ये सारा, ये जो आप लोग देख रहे हो ये सारा पहाड़ी एरिया है। अब हमारा सफ़र इसी में रहेगा, पहाड़ी एरिए में। ये है झांसी हाईवे। गाइस बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है, इतनी चढ़ाई चढ़ के जहाँ से गाड़ियाँ आ रही है ना, यहाँ नीचे अंदर बहुत गहरी खाई है एक तरह की, और वही चढ़ा चढ़ा के ना बुरा हाल हो गया। मतलब कि पूछो मत, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, और साइकिल चला चला के हालत ख़राब हो गई, पैर दुखने लगे। ज़्यादा चढ़ाई में प्रॉब्लम यह है कि लो गियर में साइकिल चढ़ानी पड़ती है तो पैडल ज़्यादा मारने पड़ते हैं, यही बात है। भाई सब पानी पीने के लिए रुका था थोड़ा सा, और भाई बहुत गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, हालत ख़राब होगी, और चढ़ाई इतनी ज़्यादा है पूछो मत। ट्रक को भी, जो बड़ी हैवी गाड़ी है ना, उनको भी पहले गियर में बड़ी मुश्किल से चढ़ना पड़ रहा, बहुत मुश्किल चढ़ रही है वो गाड़ियाँ। गाइस ये है सिंध नदी और बहुत चौड़ी है वैसे तो, लेकिन इसका पानी साफ़ नहीं है, बिल्कुल पानी ख़राब है। और ये जंगल और ये सिंध नदी का ब्रिज। गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं हूँ अभी NH 44 पर जो झांसी को जाता है, झांसी कन्याकुमारी को, और मैं अभी हूँ एक घटिया शहर है एक छोटा सा, और दिखाता हूँ आप लोगों को, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। ये कोई पुराना टाइम में कोई मंदिर रहा होगा, और ये मतलब कि थोड़ा सा जंगली एरिया में है ये, थोड़ा बस बाहर के थोड़े बहुत घर है, बाकी इसके बाहर बाहर सारा जंगल है। ये शायद किसी टाइम में अच्छा मंदिर रहा होगा, और दिखने में किला टाइप है ये, हम जा नहीं सकते इसके अंदर क्योंकि ये बहुत, इसका रास्ता बहुत बाहर से है। और मैं अभी जा रहा हूँ झांसी, तो देखो ये तालाब है, इसके तालाब ये काफ़ी लंबा है दूर तक, फोन में शायद इतना नज़र ना आए लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ बहुत लंबा तालाब है ये। और ये दतिया शहर, ये मतलब कि पहाड़ी एरिया में है ये, जैसे हिमाचल जैसी फीलिंग आती है यहाँ पर भी, ये पहाड़ के मतलब ये पहाड़ों में बसा हुआ शहर है, एक छोटा सा शहर। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ झांसी, और झांसी था मुझसे 108 किलोमीटर ग्वालियर से, और 5 बजे तक मैं बिल्कुल ठीक झांसी में पहुंच जाऊंगा। और अब हमें ढूंढनी है जगह, रहने की जगह ढूंढनी है रात के लिए, और फिर कल जाएंगे हम झांसी का किला देखने। तब तक बने रहो। ये है झांसी। गाइस मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ बिरयानी खाने, और ये मेरी फर्स्ट टाइम वेज बिरयानी है।